बाबा एक ही काम करना, तेरा ब्यावला की कथा सुनी, कहीं बोलना तेरा ब्यावला की कथा सुनी। इस शरीर में चल रही श्वास के अंतिम क्षण तक मेरे और मेरे पत्नी के वैवाहिक जीवन में हर तरह का सुख, हर तरह की शांति, हर तरह का प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम बना रहे, ये कामना है बाबा। आरती, एक भक्त आरती करके दूसरे के हाथ में दे ताकि दूसरे को उसका लाभ मिले, आगे वाले पीछे जाए, पीछे वाले आगे जाए। आज आपके मन की भावनाओं का पुष्प बाबा के चरणों में चढ़ाया जाएगा। बाबा की आरती के बाद आनंद के साथ 50 कार्यकर्ता वहां पर खड़े हैं बाबा के प्रसाद के वितरण के लिए। सुभाष जी चांडक, बटा की व्यवस्था संभाल लो, आरती रोजी करना अपना ने। देखिए एक छोटी सी बात है, आज व्यासपीठ पर कोई भी न खड़ा रहे, बाबा की छवि है और इस छवि के दर्शन दूर से होने चाहिए, आरती होनी चाहिए। पंडित जी आप भी नीचे चले जाना आज। तो सभी से निवेदन है, मैं दोपहर को 1:30 से 6:30 तक लगातार बिना पानी पिए बाबा का गुणगान कर रहा हूं। और आपको क्या करना है, जाते समय प्रसाद ले जाना है घर पे, थोड़ा सा अपने बच्चे को, अगर पत्नी नहीं आई है तो पत्नी को। वैवाहिक जीवन में आनंद भरने का सामर्थ्य रखने वाली रामदेव जी के विवाह प्रसंग की कथा को आपने श्रवण किया है। 5 बड़ी थालियां आज के 5 यजमान को निवेदन करें, 5 बड़ी थालियां पंचारती आज के दैनिक यजमान को दें। और डॉक्टर स्वाति अटल अगर आई हैं, डॉक्टर राजेश जी अटल, तो उनसे निवेदन है कृपया बाबा की आरती का थाल लें। डॉक्टर खंडेलवाल, हमारी प्यारी बहन पहुंच गई है, तो डॉक्टर साहब को लिए बिना आई बाबा को बोलो यहाँ आरती कर रही हूँ, डॉक्टर साहब की भी हाथ से हो रही है, ये समझकर स्वीकार करे बाबा। तो मेरी बहन पहुंच गई है, बहुत अच्छी बात। भाई को क्या चाहिए, सिर्फ बहन आ गई बस हो गया, सब आगे, जीजा वीजा सब उसके पीछे आ जाएगी। तो बड़े प्यार से सब मिलकर दैनिक यजमान से निवेदन, पंचारती हाथ में, हाँ हाथ में पकड़ लिए ज्यादा अच्छा, गिर न जाए। बाबजी महाराज से निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ पर आकर भगवान के सामने अपना, बाबा की पगलियों पर चमड़ ढुलाते हुए बाप जी के हाथ से, अकेले सिर्फ बाप जी के हाथ से मैं निवेदन करूंगा। और आज के आरती के यजमान अनिल जी शर्मा गौड़ परिवार से निवेदन है। देखिए शर्मा जी आप आरती के यजमान हैं, आप तो कर ही रहे, लेकिन आपकी वजह से 108 आरतियों के थाल सजे हैं, सब भक्तों को आरती का लाभ मिल रहा है। उस कोने पर खड़े हो जाइए, सभी से निवेदन आप उस कोने पर, ताकि भक्तों को अपनी पीठ न दिखे। तू तो लाचा सुगना की हिम्मत है, ना बोल बात। प्यारी बच्चियों ने कहा पंडित जी हम थोड़ा सा बनार बन जाओ, बाबा का दरबार है। हाँ जी, पूरी आरती के थाल दे दीजिए। शर्मा जी हिंगना से पधारे, उनको थोड़ा सा कॉर्नर पे खड़े रहने के लिए, भाभी जी दीदी थोड़ा एक तो इधर या उधर, ताकि आपकी पीठ न दिखे उनको। हाँ इधर कोने में आइए ना, पीछे आइए, इधर बहुत जगह है। बाबा की तस्वीर वहां पर लगी है, अष्ट कमल पर विराजमान है हमारे आज के दैनिक यजमान के पिताश्री, जिनका सारा जीवन रामदेव जी को ध्याने में गया। रामदेव जी का सबसे पुराना रामदेव सत्संग मंडल, रामदेव बाबा सत्संग मंडल के संस्थापकों में एक सत्यनारायण जी बंग। देखिए ये पितृपक्ष हर दिन बाबा के कोई ना कोई भक्त को अष्ट कमल पर विराजमान, अष्ट कमल पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसको अधिकार है, उसमें एक है माँ शारदा, माँ लक्ष्मी, और पितरों का स्थान है कमल पर, बाकी और कहीं उनका स्थान नहीं है, न पहाड़ों में न झरनों में। तो आइए सब मिलकर अपने पितरों का स्मरण करते, अपने माता का, अपने पिता का स्मरण करते हुए आनंद के साथ बाबा से आज्ञा लेकर करूं आरती आपकी। बाबा कर लीजो
स्वीकार नैना डेरा लाडेला नेतलरा भरता सुखना बाई करे हर की आर बोलो हरे जी बाटी चवर डोले बैठो ना मेरा माहो में हर की आर गुवारे जमुना पहले सरस्वती गंगारे जमुना बेवेरे सरस्वती पापो स्नान करे भोला छबाई सुखना बाई करे हर की आर बोलो
थारे छात्री ओ दूरारा दे सोरा बाबा वे थारे छात्री ए दूरारा दे सोरा धनिया वे थारे छात्री ओ दूरारा दे सोरा धनिया वे थारे छात्री कोई बने गावे बन करे लाचा बाई सुगना बाई करे हर की हाल बोला हरे जी बाटी चवर डोले लाचा बाई सुगना बाई करे हर की आर बोला हरे जी बाटी चवर डोले बैठो मेरा माहौवे हर की आर ये है खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग जावे खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग जावे हो अजमल जी राखा मेरा रो भेद नहीं पावे अजमल जी राखा जीने बोलिया हो और खंडाओं में शान रे लाचा बाई सुगना बाई करे हर भवम भवानी कैतम नमा हे मंदार माला कलिकालिकाए कपाल मालां किसे कराए हो दिव्यंबराय चदिगंबराय नम शिवाय ओम नम शिवाय शांताकारम भुजग चैनम पद्मनाभम सुरेशम शिवाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम हो लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगभिर्धानकम हो वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोकैकनाथ माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या भविणं त्वमेव सर्वम मम देव देवा त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव मम देव देव मम देव देव ने बिसरिया ना सरे थे मर माथारा सिरे मो बोला महाराज कवार की जय बोला महाराज कवार की जय। यहाँ पर आए सभी भक्तों के चरण